That's a very, very good evening to all of you. सबको मेरी आवाज आ रही है? Can we start? Good evening. Yes, good evening. Good evening. Good evening. Start कर रहे हैं. 1.2 है आज ग्रेविटेशन का. इन द 1.1 आपने सीखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर एल्टीट्यूड का क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, जिसमें से जो फॉर्मूलेज आपको याद रखने चाहिए वो है जीएच इज इक्वल टू जीएम अपॉन R प्लस एच द होल स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं. एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं जी आर स्क्वायर अपॉन R प्लस एच द होल स्क्वायर. और एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं 1 minus 2h upon r. सेकेंड फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, जो सेकेंड बॉक्स में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला तब आया था जब हमने gh और g को डिवाइड किया था, और डिवाइड करने के बाद जब मैंने g को RHS में भेजा था तब ये फॉर्मूला आया था. ये तीनों फॉर्मूले आप अपने दिमाग में रख सकते हैं अगर आपको एल्टीट्यूड के लिए ये बताने की जरूरत पड़े कि आप क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक पर्टिकुलर हाइट पे कितना होगा. अगर आप डेप्थ की तरफ जाते हैं, सो डेप्थ पे जी डी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा. बस इतना सा फॉर्मूला. दिस इज अगर आप डेप्थ में जाते हैं, और ये तीनों अगर आप किसी एल्टीट्यूड पे जाते हैं. एल्टीट्यूड यानी कि आप किसी हाइट पे जाते हैं. अब ये तीनों फॉर्मूलेस आपके सामने इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि आप एक बात को समझें. अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, इसे मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं किसी दो चीजों के बीच में, वो कोई दो चीजें क्या हैं जरा सुन लीजिए. अगर आप ग्राफ पुट करना चाहते हैं R और G के बीच में, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और R के बीच में. R कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, अर्थ के सेंटर से R कोई भी डिस्टेंस हो सकता है. आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो जब आप अर्थ के अंदर जाते हो तब जो आपका आर होता है वो लेस देन कैपिटल आर होता है, पर जब आप किसी एल्टीट्यूड पे जाते हो तब आपका जो आर होता है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है. जरा इस चीज को इमेजिन कीजिए. सबसे पहले तो खुद को यह समझाइए दैट आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, या फिर वो पॉइंट जहां पे आप बातचीत कर रहे हो. तो अब पिछले लेक्चर के हिसाब से अगर आप थोड़ा अपना ज्ञान का पिटारा खोलेंगे और अगर आपको समझ में आएगा कि सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ. मैं दो तरह के सर्कल्स बना रहा हूं, इसलिए इन दोनों तरह के सर्कल्स को ध्यान से देखिए. एक सर्कल मैं अर्थ के बाहर बना रहा हूं
और दूसरा सर्कल मैं अर्थ के अंदर बना रहा हूं। अब अगर कोई आपसे ये कहे इन दोनों सर्कल्स में आप अगर इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है। अगर मैं ये वाले डिस्टेंस को r मानूं और आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं दिस इज कैपिटल R, कल का लेक्चर रिवाइज करके आए हो तो कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। ग्रीन वाला सर्कल आपको डेप्थ के बारे में बता रहा है, पिंक वाला सर्कल आपको एल्टीट्यूड के बारे में बता रहा है। तो ग्रीन वाले सर्कल के लिए जो R आप देख रहे हो क्या वो डेप्थ के लिए जो R है वो छोटा है कैपिटल R से? बिल्कुल सही, वैसा ही दिख रहा है। अगर आप पिंक वाले सर्कल के लिए अगर आप R देखने की कोशिश करते हो, दिस इज द R फॉर द पिंक वाला सर्कल, तो साफ साफ है एक एल्टीट्यूड के लिए आपका छोटा R बड़ा है कैपिटल R से। पर अगर आप अर्थ की सरफेस पे बात करते हो, दिस इज सरफेस किसका, अर्थ का, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका छोटा R बराबर है कैपिटल R के? तीन अलग अलग सिचुएशंस, जरा इन तीनों अलग अलग सिचुएशंस को जरा मैच करके देखिए। छोटा R क्या है? छोटा R कोई भी डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ द अर्थ से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्रीन सर्कल पे, आर कैपिटल आर से छोटा नजर आ रहा है। पिंक सर्कल पे आर कैपिटल आर से बड़ा नजर आ रहा है। ग्रीन सर्कल डेप्थ है, पिंक सर्कल एल्टीट्यूड है, और जो आपका अर्थ है अगर आप खुद अभी अर्थ के सरफेस पे हैं तो अर्थ के सरफेस पे स्मॉल आर और बड़ा आर एकदम बराबर होंगे। कितने लोग को ये बात समझ में आई? पक्का एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग? डन, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, अब वापस मैं ग्राफ की तरफ जा रहा हूं। डेप्थ में छोटा आर इज लेस देन कैपिटल आर, एल्टीट्यूड इज छोटा आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और अगर आप सरफेस पे हो तो छोटा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स एक्सिस आर है, मैं एक लाइन बनाना चाहता हूं यहां। सपोज कीजिए मैंने एक लाइन बना दिया, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इस पॉइंट पे छोटा आर इज बराबर टू बड़ा आर। अगर इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो छोटा आर इज लेस देन कैपिटल आर, और अगर इस लाइन के राइट हैंड साइड पे जाओगे तो छोटा आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये तीनों के तीनों केसेस हमें एक साथ यहां प्लॉट करने। तो आप जो ये वाला भाग देख रहे हैं यहां पे हम अर्थ के अंदर की तरफ बात करेंगे, यानी कि ये डेप्थ वाला कॉर्नर हो गया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां पे हम एल्टीट्यूड की बातें करेंगे, और ये जो आप सेंटर वाली लाइन देख रहे हैं यानी कि यहां पे आप सरफेस पे। तो जरा आप कहानी जीरो से स्टार्ट करिए। अगर आप जीरो पे होते यानी कि आप खुद अर्थ के सेंटर पे होते तो पहले आप अर्थ के सेंटर से एक दूरी ट्रेवल करके अर्थ के सरफेस तक पहुंचते, फिर आप अर्थ के सरफेस से एल्टीट्यूड तक जाते। इसलिए आप देख सकते हैं ये जो मैंने ग्राफ को तीन भाग में डिवाइड किया है ये बहुत ही बेहतर है। परंतु जब आप अर्थ के डेप्थ में हैं तो ये वो जी का फॉर्मूला है जो आपने कल निकाला, और जब आप अर्थ के सरफेस पे हैं और जब आप उसके बाद एल्टीट्यूड पे पहुंचते हो तो हम ये वाला जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी ग्राफिकल मैथमेटिक्स ठीक ठाक है
तो आपको एक चीज समझ में आएगा बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देख के एक चीज तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. इस चीज को जरा चेक कर लीजिए. आपको यहां पे ये चीज नीचे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, बट अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि डी इज इक्वल टू आर है तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी वन माइनस आर बाय आर. अब इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो जी डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डी को छोटा आर क्यों माना, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम के ध्यान से कंसिडरेशन करेंगे तो डेप्थ का अनुमान छोटा आर ही आपको दे रहा है. मतलब यहां पे हम छोटे आर के टर्म्स में पूरी चीजें बात कर रहे हैं, यानी कि आपका छोटा आर ही आपको डेप्थ के बारे में भी बताएगा और आपका छोटा आर ही आपको एल्टीट्यूड के बारे में ही बताएगा. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो छोटा आर ही वो इंसान है जो ग्रीन सर्कल के बारे में आपको जानकारी दे रहा है और छोटा आर ही वो इंसान है जो पिंक सर्कल के बारे में आपको जानकारी दे रहा है. इन बोथ द केसेस द छोटा आर विल बी ट्रीटेड एज डेप्थ फॉर द ग्रीन सर्कल एंड द छोटा आर विल बी ट्रीटेड एज एल्टीट्यूड फॉर द पिंक सर्कल. तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूले में क्या कर दिया, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले में डेप्थ को छोटे आर के बराबर पकड़ लिया. तो जब ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है तो आप देख सकते हो जी डी और छोटा आर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं. अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, इसके लिए हम थोड़ा बचपन की यादें ताजा करेंगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन. अब ये पॉइंट पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट पे पहुंचने का मतलब हुआ कि आप सरफेस पे पहुंच गए. अब सरफेस से आप क्या करोगे, सरफेस से आप एल्टीट्यूड पे जाओगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अब इस वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना चाहिए, इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको आर प्लस एच को छोटा आर मान लेना चाहिए. अब इस चीज को देख के आपको ज्यादा शॉक नहीं होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आर प्लस एच कैन बी ट्रीटेड एज छोटा आर. पर ये चीज देख के आज आपको शॉक पक्का हुआ होगा, आपको लगा होगा ये कैसे अज्यूम कर लिया. अगर कल आपको ये चीज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी तो आज ये भी चीज समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. या फिर यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर माइनस डी एज आर. अब आर माइनस डी क्या है, आर माइनस डी तो आपकी डेप्थ थी. पिछले अगर लेक्चर का आप डायग्राम याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा आर माइनस डी वॉज द एक्चुअल डेप्थ. आप कितने डेप्थ में आप जा चुके हो, ठीक है, उसकी जानकारी आपको आर दे रहा है. तो अगर आप छोटे आर के बारे में बात कर रहे हो, आर माइनस डी कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल आर एंड आर प्लस एच कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल आर. इन दिस केस हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहां पे हम डेप्थ की बात कर रहे हैं. तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको जी एच का वैल्यू मिलेगा जी आर स्क्वायर अपॉन छोटा आर स्क्वायर. इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो जी एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के. चेक कर लीजिए तो ये ग्राफ कैसा बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनेगा. आप जब पहुंचोगे एक हाइट पे तो उसके बाद आपका ग्राफ ऐसे जाएगा. यानी कि एक चीज समझने लायक है और बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पे. वो चीज क्या है, इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ग्राफ में जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है. और इस पर्टिकुलर ग्राफ के पार्ट में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है. यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जमीन के अंदर
डिस्टेंस के हिसाब से अलग की तरह वेरी करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जमीन के ऊपर, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस के हिसाब से अलग वेरी करता है। यानी कि जमीन के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप सेंटर तक जाओगे, जमीन के अंदर अगर सेंटर तक पहुंच गए तो सेंटर पे जाते जाते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर तक पहुंचते पहुंचते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि सेंटर तक पहुंचते पहुंचते आर जीरो हो जाएगा। चेक करके देख सकते हो, अगर आप ये सेंटर तक आते हो तो मैंने आपको आर की वैल्यू क्या बताई थी, व्हाट इज आर, पढ़ के देखो यहां पे। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट या की पॉइंट। तो अगर आपको कोई ऐसा बोले कि कोई इंसान जाके आपके सेंटर ऑफ द अर्थ पे बैठ जाए तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे आर की वैल्यू जीरो ही होगी। तो अगर सेंटर ऑफ द अर्थ पे आर की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी सेंटर पे जीरो हो गई, यानी कि अर्थ के सेंटर पे कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगती। और जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाओगे, तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाओगे, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे वैसे घटेगा। स्क्वायर टाइम्स, डिस्टेंस का स्क्वायर टाइम्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। और एक चीज बताता हूं, अगर आप कल का लेक्चर बिना ओपन किए आए हैं तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको यह समझा होगा कि नहीं समझा होगा। अगर कल का लेक्चर खत्म हुआ और आप वैसे का वैसा उठ के अभी आ गए, बिना ये देखे कि डेप्थ क्या होता है, बिना ये देखे कि एल्टीट्यूड क्या होता है, बिना ये देखे कि स्मॉल आर कल के लेक्चर में क्या समझाया गया था, थोड़ा भी नहीं देख के आए हो तो आज आपका दिमाग यहाँ पे नहीं चलेगा। देख के आए हो तो आपको बहुत ही मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं अर्थ के अंदर जब जा रहा हूं तब क्या मतलब हो रहा है, R की वैल्यू क्या होती है, R प्लस H की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि कल भी मैंने डायग्रामेटिकली आपको R प्लस H दिखाया था, कल भी मैंने आपको डायग्रामेटिकली ये समझाया था कि अगर ये अर्थ है और आप यहां जाके बैठ जाते हो तो ये आपकी हाइट है और ये आपका रेडियस है, तो छोटे R की वैल्यू हो जाएगी क्या, R प्लस H। ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर ये आपका अर्थ है, थोड़ा अर्थ बड़ा बना लेते हैं, ये आपका अर्थ है, यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज अवर अर्थ एंड नाउ दिस इज अवर अर्थ, और आप बोलते हो कि मैं इधर जाके बैठूंगा अर्थ के अंदर, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। तो अगर आप इधर जाके बैठ रहे हैं तो ये आपके अर्थ का रेडियस है और आपने इतना खड्डा खोद दिया है, ये आपका खड्डा आपने खोद दिया है, दिस इज डी, बराबर है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये भी तो कल डेप्थ के फॉर्मूले हमने देखा था, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज आर माइनस डी, उसी को तो मैं तब से आर बोल रहा हूं, याद आया, आर माइनस डी को ही मैं आर बोल रहा हूं। अगर आपको याद आएगा तो मैंने यहां पे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आर लिखा था। तो जरा ये दो डायग्राम्स को ध्यान से देखो और समझो कि इन द फर्स्ट केस R is R minus D. In the second case, the R is R plus H. पहले तो ये अपने दिमाग में फिट करो, फिर ये चीज को समझो कि अगर मैं कोई भी डेप्थ का फॉर्मूला यूज करता हूं, इफ आई यूज एनी ऑफ द डेप्थ फॉर्मूला, जैसे समझो एक डेप्थ का फॉर्मूला GD का अपन कोई और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जी एम प्राइम अपॉन, या ये नहीं, अपना ओरिजिनल वाला फॉर्मूला क्या, G इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर, बराबर है। यहां पे अगर हम डेप्थ की जगह पे आर पुट कर दें तो ऐसे भी आपका काम हो रहा है। अगर आप जानते हैं इस फॉर्मूले को, थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस डी अपॉन आर, एलसीएम लेने के बाद इतना तो आपको समझ में आएगा, बराबर है। अब ये जो आर माइनस डी है, अगर मैंने इसकी जगह पे R पुट कर दिया तो ऐसा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि R माइनस डी तो R है, बराबर है। तो ये फॉर्मूले को देख के जरा बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ में और छोटे R के बीच में क्या संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध आता है कि नहीं आता है?
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कैसे बनता है, बचपन में कभी ओम्स लॉ पढ़ा था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं बनता? तो क्या मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना के कोई गलती की? जब डेप्थ है तो डेप्थ के हिसाब से जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बना के कोई गलती की मैंने? नहीं की। एक बार आप डेप्थ में है तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस के बाहर यानी कि जब आप एल्टीट्यूड पे जाते हो तब वापस आपने अपना दिमाग चालू करना है। एल्टीट्यूड पे जाने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे? जी एच बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें आर प्लस एच अपने को डायरेक्टली दिखाई दे रहा है और आर प्लस एच की जगह पे अपने को आर लिखना है, आ गया आर स्क्वायर, आर प्लस एच द होल स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर आएगा। अब इस फॉर्मूले को देख के बताओ जी और आर स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, है ना, इनवर्स का स्क्वायर। तो बचपन में कहीं थोड़ी ग्राफिकलिटी पड़ी होगी तो आपको पता होगा अगर कोई चीज इनवर्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन आता है, तो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। बस इतनी सी बातें, हाँ या ना? डन, क्लियर है, याद रखेंगे पक्का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो अगला टॉपिक आप देखने वाले हैं ये होगा हमारा थर्ड टॉपिक, जिसे बोला जाता है वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। बात को जरा ध्यान से समझे। अगर मैं इस चीज को हमारा अर्थ कंसिडर करूं, सो अर्थ एग्जैक्टली जब हम सेंटर से एक लाइन बनाते हैं, तो बचपन में थोड़ी बहुत अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ के एग्जैक्टली सेंटर से पास होती है। ये जो इक्वेटर है ये वन ऑफ द लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या होता है? जब आप अपने अर्थ को कंसेंट्रिक सर्कल्स में ऐसा डिवाइड करेंगे तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स अर्थ के लैटिट्यूड कहलाते हैं। इस तरह से ऐसे आपने आपको अर्थ को आप एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड करें तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल्स आपके अर्थ के लैटिट्यूड कहलाते हैं और आप अपने खुद के अर्थ के वन ऑफ द लैटिट्यूड्स पे रहते हो। ठीक है, क्या रहते हो आप? वन ऑफ द लैटिट्यूड्स पे रहते हो। तो ये जो आप सर्कल देख रहे हो यहां पे, दिस सर्कल, ये आप देख सकते हो, मैं सिर्फ सर्कल की एक लाइन आपको दिखा रहा हूं क्योंकि हम फ्रंट व्यू से अर्थ को देख रहे हैं, पर अगर आप समझ रहे होंगे तो ये सर्कल पूरा अर्थ को ऐसे घूम के पीछे से चक्कर मार के आ रहा होगा। तो अगर मैं 3D में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं सारे के सारे लाइंस को मिटाता हूं जिनको मैंने एल्टीट्यूड कहा है। सपोज कीजिए मैं एक लैटिट्यूड आपको पूरा का पूरा दिखाने की अगर कोशिश करूं तो हम उसको ऐसा बना सकते हैं। हाँ जी, अगर आपको एक 3D इफेक्ट में रेड कलर का सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो अर्थ के पूरे तरफ से घूम के आ रहा है आगे से और पीछे से। कैन यू इमेजिन द रेड सर्कल एज एन लैटिट्यूड? क्या आपको रेड सर्कल पूरे अर्थ के गोल गोल घूम के दिखाई दे रहा है? सब लोग को दिखाई दे रहा है? पक्का? ये रेड सर्कल क्या है?
दिस रेड सर्कल इज वॉट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड. सो अर्थ जो है वो अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड किया गया, तो इन्हीं कंसेंट्रिक सर्कल्स को आप लैटिट्यूड का नाम देते हैं. लगे तो हम अर्थ को एक मिड पॉइंट से भी डिवाइड कर देते हैं, इस तरह की एक लाइन से जो सेंटर से पास हो रही है. बढ़िया, ठीक है. अब हो सकता है ऐसा कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी जिंदगी बिता रहे हो. इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम है पी, यानी कि आप अर्थ पे किसी ना किसी एक लैटिट्यूड पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हो. वो ऐसा भी हो सकता था कि आप अपनी जिंदगी यहां पे गुजार रहे हो ई पॉइंट पे, तो आप दुनिया से कहते कि मैं इक्वेटर पे रहता हूं, राइट. पर जरूरी नहीं है ना, अगर आप अर्थ को देखेंगे वो एक स्फीयर टाइप है, तो जरूरी नहीं है ना हर कोई बंदा इक्वेटर पे रहेगा, राइट. पर क्या आप जानते हैं इक्वेटर इंडिया से कहां से पास होता है? थोड़ी बहुत कुछ नॉलेज, क्या इक्वेटर इंडिया से पास होता है? दिल्ली. नहीं, इक्वेटर इंडिया से पास नहीं होता, ठीक है. इंडिया जहां पे है अपने अर्थ पे, वहां से इक्वेटर पास नहीं होता, ठीक है. सो इक्वेटर एक्चुअल में कहां से पास होता है? आपने ब्राजील का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट ब्राजील? आपने युगांडा का नाम सुना है? केनिया, सोमालिया, मालदीव्स. मालदीव सुना होगा, बहुत ही बढ़िया है, वेकेशन के लिए लोग जाते हैं. इंडोनेशिया सुना है आपने? ये वो सारी जगहें हैं जहां से आपके इक्वेटर को, इक्वेटर जहां से पास होता है. अगर थोड़ी बहुत आपकी ज्योग्राफी थोड़ी बहुत कमजोर है तो एक पिक हो जाए, शायद उस पिक से आपको थोड़ा बहुत आइडिया बैठ जाए. Yes. अगर आपको स्क्रीन पे एक पिक दिखाई दे रहा होगा तो ये पिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखा रहा है कि कैसे अर्थ एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड किया गया है. कैन यू सी दिस? बचपन में कभी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पढ़ा था? हर्ड अबाउट इट? दिख रहा है सबको पिक? हाँ जी. तो क्या आप ऐसी चीज को यकीन कर सकते हैं कि हम इस रेड सर्कल को एक लैटिट्यूड मान सकते हैं? और क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हम इस लैटिट्यूड के पॉइंट पी पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पिक पे बात करूं तो मैं यहां पे हूं, ये वो पॉइंट है पी. हो सकता है? इज इट पॉसिबल? एवरीबॉडी इज एबल टू इमेजिन मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं? पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड राइट नाउ? ठीक है. अब सबसे पहली चीज जो आपने अपने दिमाग में फिट करनी है वो ये है कि जब आप किसी जगह पे अर्थ पे बैठ रहे हैं तो आपको इस चीज की भी
समझ होनी चाहिए कि जो अर्थ है वो चुप नहीं बैठा, वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है। यस, बचपन में सुना होगा, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तभी तो रात और दिन हो रहे हैं, बराबर। और जब अर्थ घूम रहा है तो हम ऐसा मान रहे हैं कि अर्थ ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। कृपया इस बात को ध्यान रखिए, आपने बचपन में वी सुना होगा, वी होता है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का मतलब जो चीज सीधी सीधी दिशा में जा रही है उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, पर अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहां पे मैंने इस तरह का एरो और ओमेगा इसलिए लिखा है ताकि आपको एक फीलिंग आए कि अर्थ इस पर्टिकुलर एक्सिस पे एक भवरे की तरह गोल गोल घूम रहा है। हो सकता है कि यहां पे आपका सन है, तो जब सन की रोशनी पड़ती है तो जो इस तरफ के सारे कंट्रीज है वहां पे दिन हो रहा है, पर जो बैक साइड की सारी कंट्रीज है वहां पे रात हो रहा है। पर जब अर्थ घूम के आएगा तो हो सकता है कि 12 घंटे के बाद या 18 घंटे के बाद ये पी पॉइंट सामने की तरफ आ जाए। सन वही है तो अब पी पॉइंट वाली कंट्रीज पे दिन होगा और जो यहां पे पहले कंट्रीज थी उनमें रात होगा। तो क्या आपको ये बात भी इमेजिनेशन में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि हम हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो तरह की चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं, वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। इस दोनों चीजों को हमें बात करनी है। सो पहली बात तो आप किसी लैटिट्यूड पे अपनी जिंदगी बिता रहे हो, ठीक है, जिस लैटिट्यूड पे आप अपनी जिंदगी बिता रहे हो वो लैटिट्यूड आपके लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि वो लैटिट्यूड यानी कि वो रेड कलर का सर्कल जो डिस्टेंस बना रहा है आप के बीच में सेंटर से, उसको मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल आर। प्लीज ये जो स्मॉल आर है इसको ऊपर वाले स्मॉल आर से कंपेयर करने की कोशिश ना करें। जो ऊपर वाला स्मॉल आर है ना, जिसको हम बोलते हैं अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, आप उसको कंसीडर करने की बात मत करें। यहां पे स्मॉल आर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन कौन, आपका पॉइंट पी एंड सेंटर ऑफ लैटिट्यूड का सर्कल, जो आप लैटिट्यूड का ग्रीन रेड सर्कल देख रहे हैं, उस रेड सर्कल के सेंटर से आपका डिस्टेंस, आपका रेडियस स्मॉल आर। परंतु अगर आप अर्थ के सेंटर से ध्यान से देखेंगे तो अर्थ के असली वाले सेंटर से आप कैपिटल आर की दूरी पे, अर्थ के असली वाले सेंटर से आप एक एंगल भी बना रहे हैं, उस एंगल का नाम है थीटा। सो कैपिटल आर इज व्हाट यू नो दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि स्मॉल आर को यहां पे इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी। स्मॉल आर एक ऐसा बंदा है जो लैटिट्यूड होने का, इस पर्टिकुलर टॉपिक में लैटिट्यूड का जो ये है बातचीत है वो स्मॉल आर ही रख रहा है, क्योंकि स्मॉल आर एक डिस्टेंस है जो लैटिट्यूड के वो सर्कल के सेंटर से आप तक बन रहा है, इसलिए स्मॉल आर को लेना जरूरी है। हालांकि जो फाइनल फॉर्मूला होगा उसमें स्मॉल आर का कोई लेना देना नहीं होगा, बट स्टिल हम अभी स्मॉल आर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब बात को जरा ध्यान से समझिए, जब अर्थ गोल गोल घूम रहा है, when the earth is rotating, तो आपके ऊपर ये जो आप यहां पे बैठे हुए हैं ना P पॉइंट पे,
आपके ऊपर एक तरह का एक्सेलरेशन लग रहा है बाहर की तरफ, जिसको कहा जाता है AR, which is called as radial acceleration. अब इस चीज की समझ आपको तब आएगी जब आप किसी बस में बैठे हो और वो बस इस पर्टिकुलर कर्व में एक टर्न मार रही है. जब ये बस इस पर्टिकुलर कर्व पे टर्न मारेगी, और अगर आप बस के अंदर बैठे हो, तो ऐसा लगेगा कि आप बाहर की तरफ गिर रहे हो. अगर एक बस टर्न मारती है और आपको बाहर की तरफ गिरने का एहसास होता है, आपको बाहर की तरफ जाने के लिए एक एक्सेलरेशन नजर आता है, ऐसा लगता है कोई आपको बाहर खींच रहा है, तो अर्थ भी तो एक बस की तरह है जो गोल गोल घूम रहा है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड के हिसाब से आपको ऐसा एक बाहर की तरफ पुल, एक रेडियल एक्सेलरेशन महसूस होगा. एक ऐसा एक्सेलरेशन महसूस होगा जो आपको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा है. वैसे जब से आप पैदा हुए हैं आज तक कभी आपको इस बात का भी एहसास नहीं हुआ होगा कि अर्थ घूम रहा है. वैसे अर्थ सच में घूम रहा है, पर आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ होगा. क्यों नहीं हुआ, थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे. आपको इस बात का एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वहां से एक एक्सेलरेशन यानी कि जी आपको नीचे की तरफ खींच रहा है. एक एक्सेलरेशन है जिससे आपको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है. अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और अगर मैं यहां से इसका कंपोनेंट लिखूं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, यानी कि ए आर कॉस थीटा. आप जानते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा. तो इस ए आर को अगर मैंने रिजोल्व किया तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट आएगा वो ए आर कॉस थीटा आएगा. तो ऐसा समझिए जैसे कि ए आर कॉस थीटा की मदद से आपको अर्थ से बाहर फेंकने की साजिश की जा रही है. ए आर कॉस थीटा एक एक्सेलरेशन है, इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से आपको अर्थ से बाहर फेंका जा रहा है. और एक जी नाम का एक्सेलरेशन है जो आपको अर्थ के अंदर रख रहा है. यानी कि कोई चीज आपको बाहर फेंक रही है और कोई चीज आपको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है. और आज तक आपकी 15-16 साल की उम्र में आप अभी तक से अर्थ पे इसलिए बने हुए हो क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये इतना पावरफुल है कि अर्थ के घूमने की वजह से ये बंदा आपको बाहर नहीं फेंक पाया अभी तक से. अगर जी कमजोर पड़ जाए तो आप AR cos theta नाम के acceleration से earth से बाहर फेंक दिए जाओगे, पर ऐसा अभी तक से हुआ नहीं, इसलिए आप अभी यहां बैठे हो. वैसे obviously Newton की अगर आप याद निकालेंगे तो Newton ने कहा था F=ma, यानी कि जहां acceleration है वहां force है. तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये g की मदद से जो force बनेगा उससे आपको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, और ये AR cos theta की मदद से जो force बनेगा, क्योंकि ये एक acceleration है, एक्सेलरेशन को बस मास के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो ए आर कॉस थीटा जो फोर्स को जन्म देगा और जी जो फोर्स को जन्म देगा उसमें से ये वाला फोर्स जीत रहा है, दिस फोर्स इज विनिंग. इसलिए आप अर्थ के सरफेस पे टिके हुए हो अभी भी, हालांकि अर्थ घूम रहा है. क्या यहां तक थोड़ी बहुत नॉलेज मिल रही है आपको? समझ में आ रहा है आप अर्थ पे क्यों बैठे हुए हो? एवरीबडी, अर्थ 460 मीटर्स प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है.
कभी ऐसा एहसास भी हुआ इस बात का? क्या किसी को कभी इस बात का एहसास हुआ कि अर्थ 460 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है? कभी नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ? Why didn't you experience this thing? क्योंकि आप ऐसा सोच के रखो कि जब वो बस एक टर्न पे घूमती है तो आप बस के अंदर एक हैंडल पकड़ के रखते हो जो हैंडल आपको एक अंदर की तरफ फोर्स लगवा के देता है और बस आपको बाहर की तरफ फेंकने की फोर्स लगाता है। तो ये जो हैंडल आप बस में पकड़ के रखते हो ये जीतता है, इसलिए आप खिड़की के बाहर नहीं गिरते। और अगर ये फोर्स जीत गया बेटा तो बाहर गिर जाओगे। सिमिलरली अर्थ में भी हो रहा है, आपको अंदर की तरफ कौन सा फोर्स खींच रहा है? वो फोर्स जो जी से बना हुआ है। और आपको बाहर कौन सा फोर्स फेंक रहा है? वो फोर्स जो ए आर कॉस थीटा से बना हुआ है। पहले तो इसके बारे में हाया ना हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ने का सोचते हैं। कम ऑन, सब लोग पहले इसको पहले हाया ना बोल दो। पक्का समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैं बार बार आपसे ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज ये चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर मैं यहां से जी नेट निकालने की कोशिश करूं, जी नेट का मतलब क्या है? जी नेट का मतलब है कि आपके ऊपर टोटल एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन है जो पी पॉइंट से आपको अंदर की तरफ खींच रहा है और एक एक्सेलरेशन ऐसा है जो पी पॉइंट से आपको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आपके ऊपर नेट एक्सेलरेशन जो लगेगा वो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? जी माइनस ए आर कॉस थीटा। मैंने इन दोनों को माइनस क्यों किया, इन दोनों एक्सेलरेशन को? क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और आपको ये पता है कि ये वाला एक्सेलरेशन जीत रहा है, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन बड़ा है। अगर ये वाला एक्सेलरेशन बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है बड़े में से हम छोटे वाले वैल्यू को माइनस करेंगे। दूसरी चीज, जो रेडियल एक्सेलरेशन आप यहां देख रहे हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको कहा जाता है आर ओमेगा स्क्वायर। अगेन आप ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है? आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये अर्थ घूम रहा है। तो जी नेट क्या है? टोटल नेट एक्सेलरेशन आपका जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। बढ़िया, चेक कर लीजिए, वैसे फॉर्मूला तैयार हो गया, बस इतनी सी ही चीज है जो आपको समझनी है। वैसे जो ए आर है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन एक्चुअल में इस रेड वाले लैटिट्यूड के लिए लिखना चाहिए और रेड वाले लैटिट्यूड का आर छोटा आर है, तो यहां आप ए आर ऐसा वाला लिखें, छोटा आर में लिखें। ध्यान से देखिए, आप जिस लैटिट्यूड में बैठे हुए हो वो लैटिट्यूड से ए आर निकल रहा था, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन वहां से निकल रहा था। तो रेडियस हमें कौन सा पकड़ना पड़ेगा? रेडियस हमें छोटा आर पकड़ना पड़ेगा। दिस वॉज द रेडियस जिसको आपको पकड़ना पड़ेगा। अब आप चाहो तो ये छोटे आर के टर्म्स में ही फॉर्मूला लिख सकते हो, या बड़े आर के टर्म्स में अगर आपको लिखना है तो
तो भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि क्या, अगर आप इधर एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, अगर आप ये वाला एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, इसको मैं शेड कर देता हूं आपके लिए। अगर आप ये येलो वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो, तो इस येलो वाले ट्रायंगल में अगर आप कॉस थीटा लिखते हो, तो कॉस थीटा क्या होगा इस येलो वाले ट्रायंगल में? आर अपॉन कैपिटल आर, राइट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी? आर कॉस थीटा। सो अगर आपको ये फॉर्मूला छोटे आर में पसंद नहीं आता, तो जी नेट का फॉर्मूला बनेगा जी माइनस छोटे आर की जगह पे आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो जी नेट की वैल्यू कितनी आएगी? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत बढ़िया आपके लिए। क्यों ये फॉर्मूला आपके लिए ज्यादा बढ़िया क्यों है? क्योंकि इसमें आधी से ज्यादा चीजें तो आपको पहले से ही पता है। जैसे कि क्या आपको पता है यहां पे जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको कैपिटल आर की वैल्यू पता है? 6400 किलोमीटर। आप अर्थ का ओमेगा भी पता कर सकते हो। अर्थ का ओमेगा पता कर सकते हो कैसे? ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो वो होता है 2π/t। 2π/t का मतलब क्या? टाइम पीरियड, घूमने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये होगा 2 × 3.14 अपॉन अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, अर्थ कितने घंटे में घूम के आता है, वो होता है 24 × 60 × 60। 24 घंटे लगते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बराबर है? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अर्थ का ओमेगा भी मिल जाएगा। तो आपके पास जी है, आपके पास आर है, आपके पास ओमेगा है, बस अब जरूरत है थीटा की। अगर किसी ने आपको थीटा दे दिया तो आप उस पर्टिकुलर जगह का जी नेट इजीली निकाल सकते हो। अगर आप थीटा ध्यान से देखोगे तो थीटा वो एंगल है जो अर्थ के सेंटर से आपके पॉइंट के बीच का एंगल देता है। अब थीटा कुछ भी हो सकता है। अगर आप इक्वेटर पे बैठे हो तो आपका थीटा जीरो हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए, इफ यू आर सिटिंग एट इक्वेटर, आपका थीटा जीरो हो जाएगा। अगर कोई इंसान बोलता है कि बताओ मैं इक्वेटर पे बैठा हूं, बताओ मेरा जी कितना है, तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया मैं बता सकता हूं, जी नेट इज इक्वल टू हाउ मच? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, बराबर, क्योंकि इक्वेटर पे आपका थीटा बराबर जीरो होता है। क्या आएगा आपके जी नेट की वैल्यू? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आपके ऊपर लग रहा है अगर आप इक्वेटर पे बैठे हो तो। हो सकता है कि कोई इंसान आपसे आके बोले कि नहीं मैं बैठा हूं एट पोल्स। पोल्स समझते हो आप? डू यू नो वेयर इज पोल इज लोकेटेड? सपोज कीजिए किसी ने बोला मैं यहां बैठा हूं, ये पोल होता है। क्या कोई बता सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा थीटा कितने का होगा? नॉर्थ पोल, वहां पे मेरा थीटा कितने का होगा? 90 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एट पोल्स अगर मेरा थीटा 90 डिग्रीज है तो मेरा जी नेट कितना आएगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी नेट कितना आएगा क्या आप जानते हैं? 90 कितना होता है कॉस का? जी नेट आएगा जी के बराबर। यानी कि जब आप पोल्स पे बैठे हुए होते हो तो आप पे लगने वाला जी एग्जैक्टली जी के बराबर होता है। यानी कि पोल्स पे जब आप जिंदगी व्यतीत करोगे तो आपका जी 9.8 रहेगा। पर अगर आप पोल पे नहीं हो, अगर आप इक्वेटर पे हो, तो आप देख सकते हो जो भी आपका आंसर आएगा वो 9.8 माइनस कुछ ना कुछ आ रहा है। मतलब इक्वेटर पे आप पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से कम होगा। ये सारी चीज की जानकारी
आपके टेक्स्ट बुक के एक पीडीएफ में, एक पेज में बहुत ही अच्छी तरह से दी हुई है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको ये अंदाजा बैठे कि किस तरह से अगर आपका थीटा बदलता है तो आपका जी का वैल्यू कैसे बदलेगा। सबका ध्यान यहां पे, यू कैन सी अ टेबल हियर, आप देख सकते हैं लैटिट्यूड डिग्री में, क्योंकि थीटा एक्चुअल में आपको लैटिट्यूड के बारे में बताता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर थीटा जीरो होगा और कोई आपसे पूछता है कौन सा लैटिट्यूड है, तो आप बताओगे इक्वेटर लैटिट्यूड है। अगर थीटा 90 है और कोई आपसे पूछता है बताओ लैटिट्यूड कौन सा है, तो आप बोलोगे पोल है। तो आप यहां पे नोटिस ये कर सकते हो कि जब आपका थीटा जीरो था तो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.7804 थी, यानी कि आप देख सकते हो 9.8 से कम। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, और पोल पे आने के बाद वो 9.8 हो जाती है। तो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ इतनी ही वैल्यूज का जी का इस्तेमाल करते हो, आपको पता ही नहीं है कि जी का असली वैल्यू 9.8322 है जो पोल पे होती है। अब इतना अप्रोक्सीमेशन बच्चों को बताने से अच्छा हम सिर्फ ये बोलते हैं कि जी का वैल्यू 9.8 है, छोड़ दो। क्योंकि इन सारी वैल्यूज का अगर आप एक एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो वो लगभग एक 9.8 के करीब आएगा। पर ऐसा नहीं है कि जी हर जगह पे अर्थ पे सेम है। जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बदलता रहेगा वैसे वैसे आपका जी बदलता रहेगा। इसमें से दो चीजों के बारे में मैंने आपके सामने अभी अभी बातें कर ली, एक तो है आपका इक्वेटर जो आप देख सकते हो, और दूसरा है आपका पोल्स। इक्वेटर पे हमारा थीटा जीरो है, पोल्स पे हमारा थीटा 90 है, और बाकी सारी जानकारी इस टेबल में दी हुई है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि थीटा बेसिकली हमें उस लैटिट्यूड की जानकारी देता है? जैसे कि ये रेड कलर का जो लैटिट्यूड मैंने यहां पे बनाया था, वो रेड कलर का लैटिट्यूड थीटा नाम के एंगल पे है। अगर मैं इक्वेटर को लैटिट्यूड कंसीडर करूं तो थीटा जीरो हो जाएगा। अगर मैं इस पोल को लैटिट्यूड कंसीडर करूं, क्योंकि इस पोल पे भी लैटिट्यूड है, अगर आप देखोगे तो यहां पे किस तरह का सर्कल बनाया जा सकता है टॉप में, तो अगर ये सर्कल है तो ये पोल का लैटिट्यूड है जहां पे आपका थीटा 90 डिग्री होगा। इज इट डन? चेक कर लीजिए, डेरिवेशन एकदम सिंपल है। डेरिवेशन सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। मैंने ये वाला स्टेटमेंट कैसे लिखा, आई होप आपको समझ में आया कि मैंने दोनों चीजों को माइनस क्यों किया। ए आर कॉस थीटा कहां से आया, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि रिजोल्व किया हम लोगों ने यहां से। ए आर कहां से आया, इस एक्सेलरेशन से आपको बाहर फेंका जा रहा है। मैंने इस एक्सेलरेशन को रिजोल्व किया, ए आर कॉस थीटा लिखा। ए आर कॉस थीटा और जी के बीच में मुकाबला चल रहा है, तो जो आपके ऊपर लगने वाली नेट ग्रेविटी होगी वो इन दोनों को माइनस करके आएगा। जी को फिर माइनस ए आर कॉस थीटा इसलिए किया क्योंकि जी बड़ा है, ए आर कॉस थीटा छोटा है। ए आर की जगह पे आर ओमेगा स्क्वायर रखा, ये 12th स्टैंडर्ड में आप फॉर्मूला देखेंगे रेडियल एक्सेलरेशन का। उसके बाद छोटे आर के टर्म्स में हम बातें नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने छोटे आर को बड़े आर के टर्म्स में निकाला बाय दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, जिसमें छोटा आर बराबर आर कॉस थीटा आया। उसको पुटअप किया, कॉस थीटा और कॉस थीटा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर पहले से था, आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार हो गया। चार लाइन का डेरिवेशन है, पर ये डेरिवेशन समझने के लिए ही दिमाग लगता है, और ये डेरिवेशन के आखिरी दो पॉइंट जब समझ में आते हैं तो आपको समझ में आता है अच्छा ये थीटा का कमाल कैसा दिखता है और ये फॉर्मूला एक्चुअली आपको क्या देता है। आया ना? पक्का डन? आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, हमने सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ और लैटिट्यूड का वेरिएशन चेक किया है। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला लेक्चर प्लस दूसरा लेक्चर देख के समझ के ही आप तीसरे लेक्चर में आए, क्योंकि तीसरे लेक्चर में चैप्टर का लेवल और थोड़ा ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे इसका लेवल और थोड़ा ऊपर बढ़ते जाता है। तो अगर आप पिछली चीज नहीं देख के आएंगे तो इस लेक्चर में मैं पिछली चीज बताते नहीं बैठूंगा। जैसे कि जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे आप जो चीज देख रहे हैं,
ये सब चीजें पिछले लेक्चर की है, पर मुझे क्यों बतानी पड़ती है? क्योंकि आप लोग ब्लैंक हो जाते हो, आपको लगता है क्या चल रहा है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हर चैप्टर आसान नहीं होता. यू हैव टू मेक दैट अ हैबिट दैट मैं आने के पहले पिछला लेक्चर देख के आऊंगा. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. कल मिलते, ठीक है? चलो बाय. डालता हूँ दोनों लेक्चर्स यूट्यूब पे डालता हूँ, आप देख लीजिए. मिलते हैं कल.